आप सबको नमस्कार आ, मैं डॉक्टर रूपल दलाल हूँ मैं आईटी बॉम्बे में एजेंट एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं एक पीडियाट्रिशन भी हूँ बच्चों की डॉक्टर हूँ और मेरी पढ़ाई एमडी जो हुई है पोस्ट ग्रेजुएशन वो शिकागो अमेरिका से हुई है और मैंने बहुत साल वहाँ पे काम भी किया हुआ है आ, 2007 में आ, हम लोग जब भी वापस आए तो मैंने सोचा कि मैं एक हॉस्पिटल में बम्बई के एक बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल में मैं थोड़ा काम करूं तो मुझे पता चले कि भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्योंकि बहुत साल मैं भारत से दूर रही थी तो मुझे पता नहीं था कि भारत के बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं तो जब भी मैंने हॉस्पिटल में यहाँ पर काम चालू किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे बहुत कुपोषित थे वजन उनका बहुत कम था छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती होते थे यू नो जुलाब के कारण नमोनिया के कारण बहुत सारे आ, मलेरिया डेंगू बहुत सारे ऐसे अलग अलग आ, जो रोग होते हैं उसे वो लोग पीड़ित थे और हॉस्पिटल में भर्ती होते थे आ, मैंने ये भी देखा कि आ, ये हॉस्पिटल था जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल था बहुत गरीब बच्चे आते थे वहाँ पर लेकिन जो फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए जो मशीन होनी चाहिए जैसे मैंने अमेरिका में तो मैं यूजी इतने डेवलप वर्ल्ड में इतने बड़े बड़े मशीन्स और यू नो वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन ये सब तो ये ये जो हॉस्पिटल में थोड़ा मतलब मुझे लगा कि थोड़ा आ, कम था वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खूब कितने सारे बच्चे थे तो उतना उतने सारे मशीन्स नहीं थे कार्डियो रेस्पिरेटरी मोनिटर्स भी कम थे तो आ, मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि क्या होता है कि जब भी बच्चे बीमार होते हैं और हमारे पास मशीन नहीं होते तो वो बच्चों को हम बचा नहीं सकते यू नो you know? तो तभी से मैंने सोचा कि मेरे मुझे कम्युनिटी में काम करना है एपिडियान होके और मेरे मुझे ये सारे जो बच्चे हैं बच्चे वो मुझे आ, रिस्ट पृष्ट चाहिए क्योंकि अगर वो रिस्ट पुस्ट होंगे हेल्दी होंगे कुपोषित नहीं होंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो आ, इसी कारण फिर मैंने बम्बई स्लम में एक एन जॉइन ज्वाइन किया और ये एनजीओ के माध्यम से हम लोग पहले हज़ार दिन के जो होते हैं बच्चे मतलब यू नो कंसेप्शन से लेके दो साल तक के बच्चे को हम लोगों ने हम लोग ने सिखाया मदर को कि क्या करना है क्या नहीं पहले पाँच साल जैसे चार पाँच साल थे वो हम लोग को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो इसलिए फिर बहुत तो हमको सीखना पड़ा फील्ड में कि क्या हो रहा है हम लोग पहले सोचते थे कि माँ समझती नहीं है माँ हमारा सुनती नहीं है लेकिन ये कारण नहीं था बहुत सारे लूप होल्स थे तो ये कोर्स के माध्यम से मैं आपको वो सारे लूप होल्स बताऊँगी बताऊँगी कि कैसे हम लोगों ने डब्ल्यू की एक दूसरी टेक्निक है ब्रेस्ट फीडिंग की क्रॉस कटल होल्ड उस पर बहुत फोकस किया उस पर पैंतालीस पॉइंट पे हम लोगों ने उसके निकाले और फिर देखा कि ये ये करने से बच्चों में बहुत अच्छा वज़न हम लोग को दिखाई देने दिया दिखाई देने लगा और ये थे पहले छः महीने के बच्चे और छः महीने के बाद वापस हम लोग को लगा कि बच्चों का वज़न इतना बढ़ नहीं रहा था जैसे बढ़ना चाहिए तो वापस हम लोगों ने बहुत कोशिश की और फिर हम लोगों ने थोड़ी रेसिपीज़ बनाई पाउडर्स की रेसिपीज़ और माँ को सिखाई तो वापस हम लोगों ने देखा कि बच्चे के वज़न वापस बहुत बढ़ने लगे और टू में एक, एक स्पोकन टूटोल प्रोजेक्ट है जो आई बॉम्बे में है प्रोफेसर कन्न मुख्यालय चला रहे और वो अप्रोच उन्होंने हमारे साथ बात की और उन्होंने बोला कि हम लोग को हेल्थ स्पोक टोटल बनाना है जिससे हम लोग ये जो मैं मैं सीखी जो बम्बई के स्लम में सीखी रूरल एरियाज़ में सीखी गाँव में सीखी ट्रैवल एरियाज में सीखी तो हम लोग को वो सारा आई के माध्यम से हम लोग को सबको सिखाना था क्योंकि तो जैसे जैसे हम लोग सीखते गए हम लोग डेटा भी प्रेजेंट करते गए एक डेटा हम लोगों ने वर्ल्ड ब्रेस फीलिंग वीक में जो हन में प्रेजेंट किया था आ, बहुत सारे ऐसे फिर रिसर्च भी चालू हुई बनासकटा में रिसर्च चालू हुई नंदुरबार में रिसर्च चालू हुई तो ऐसे करके कर हम लोगों ने अबाउट इक्यान नाइन्टी वन टू टॉल्स बनाए हुए हेल्थ तो स्पोकन टुट में तो उसके भी इंट्रोडक्शन मैं आपको ये टुटोल के माध्यम से दूंगी ये कोर्स के माध्यम से दूंगी और दूसरा क्या है कि ये जो कुपोषण है वो सिर्फ गरीब बच्चों में ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारी एजुकेटेड मदर्स को भी सिखाती हूँ अमेरिका में भी सिखाती हूँ क्योंकि अमेरिका में भी मेरा काम अभी भी चालू है दो तीन महीना मैं वहाँ पर जा काम करती हूँ आ, तो मैंने देखा कि जो गरीब आ, गरीब मदर तो ठीक है चलो उसको कभी खाना नहीं मिलता है कि उसको अज्ञानता होती है लेकिन जो एजुकेटेड मदर थी जो पढ़ी लिखी मदर थी जो आ, अमीर मदर थी उनको भी मैंने देखा कि उनको ये ज्ञान बिल्कुल था ही नहीं कि कैसे दूध पिलाना कैसे बच्चे को खिलाना क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना ठीक है तो आ, इसी कारण एन एफ फाइव डेटा में आपने देखा होगा कि आ, बच्चे लगभग तेईस टका बच्चे बाईस सू तेईस का बच्चे जो है अमीर बच्चे जो सबसे अमीर बच्चे हैं उनमें भी कुपोषण हम लोग को दिखाई देता है तो ये माध्यम से मैं आपको अभी मैं सबको सिखाना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है किशोरी वही की लड़की है उसका आ, उसका उसके खाने में क्या होना चाहिए आ, जो आ, जो प्रेगनेंसी अभी नहीं चालू हुई है लेकिन जो प्लान कर रही है वो आ, आ, वो लेडी के वो जो होती है औरत उसकी उसमें न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए लैक्टेटिंग मदर्स है जो जो दूध Uh, you know, जो दूध पिलाती है माता उसका भी न्यूट्रिशन पोषक सही होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो दूध निकालती है यू you नो know, पौना लीटर पौना लीटर एक लीटर कभी कभी डेढ़ लीटर तक भी दूध निकलता है वो माता का तो उसको भी पोषण उसका पोषण सही होना बहुत ही ज़रूरी है uh, दूसरा एक है एक पूरक आहार ना पूरक आहार भी इतना इम्पोर्टेंट है कि यू uh, नो you know, ये बच्चा आठ नौ किलो का तो आराम से हो जाएगा आपके अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग का टेक्निक से लेकिन छः महीने के बाद अगर सही तरह से पोषण नहीं खाना चालू किया तो फिर ये बच्चे का वापस सैम मैम में चले जाएंगे मैल न्यूट्रिशन में चले जाएंगे तो ये कोर्स के द्वारा मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे कुपूरक व्यवहार चालू करना है कौन सी कौन सी रेसिपीज़ बनानी तो रेसिपीज़ भी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद है बच्चे की हाइट लेंथ कैसे चेक करना है क्योंकि जब भी हम फील्ड में काम करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो सेविका है उनको पता नहीं होता है कि कैसे प्रॉपरली चेक करना है तो ये ये कोर्स के द्वारा मैं ये भी, भी सिखाऊंगी और दूसरा कैसे वेट चेक करना है क्या करना है अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है क्या क्या कर सकते हैं अगर माँ को दूध नहीं आ रहा है तो कैसे उसका दूध बढ़ाना है यू you नो know, तो इसमें बहुत सारे इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग यू नो सेशंस हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो आ, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ मेरे कोर्स में सबको सबके लिए ये है सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका और आशा के लिए नहीं है डॉक्टर्स के लिए है नर्सेस के लिए है ए है यू you नो know, कोई भी है जो फैमिलीज़ के लिए है क्योंकि ये तो लाइफ स्किल है सबके घर में बच्चे पैदा होते हैं सबकी घर में कोई ना कोई तो प्रेग्नेंट मदर कभी ना कभी तो आ, होती है राइट तो ये मैं आपको सबको इन्वाइट करी हूँ आई एस ऑफिसर्स को आ, खास करके क्योंकि आ, क्या होता है कि आई ऑफिसर हैज़ टू डील विद मेल न्यूट्रिशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन स्टेट लेवल तो अगर उन्हें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सोल्यूशनस है तो वो डेफिनेटली कुछ एक्शन ले सकते हैं सो आई इन्वाइट एवरीबडी